नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 11वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम यानी तिमाही परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। इसके पहले केवल आपको डेट ही पता चला था, लेकिन अब दोस्तों आपको पता चल जाएगा किस दिन कौन सा विषय का पेपर होगा, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना देर का पेपर होगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 10 से 11:30 बजे तक पेपर होगा, यानी कि 1.5 घंटा का पेपर होगा, मतलब कि 30 से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि मंथली एग्जाम में होता है, ठीक है ना। तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, सब लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पेपर यहीं पर मिलेगा। देखिए 23 तारीख दिन आपका प्रथम पाली में फिजिक्स का और फिलोसोफी का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। फिजिक्स का और फिलोसोफी का पेपर आपका होने वाला है, तो ये 10 से 11:30 बजे तक होगा, 1.5 घंटा का पेपर। उसके बाद से सेकंड पाली में केमिस्ट्री अकाउंटेंसी का पेपर होगा, पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, ठीक है ना। उसके बाद से 24 तारीख दिन प्रथम पाली में मैथ का पेपर होगा, द्वितीय पाली में बायोलॉजी बिजनेस स्टडी ज्योग्राफी का पेपर होगा, ठीक है ना। और ये होगा 2:45 से 2:15 तक, ठीक है ना। अब उसके बाद 227 तारीख दिन सबका हिंदी एकदम इंग्लिश होगा, लेकिन सेम रहता है इंग्लिश सबका, सेम रहता है, बस विषय कोड अलग अलग रहता है। और सबका हिंदी में दोस्तों सेम रहता है, विषय कोड आपका अलग अलग हो जाता है द्वितीय पाली में, ओके। इसका PDF डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद से यहाँ पर देखिए फिजिकोलॉजी का पेपर होगा 28 तारीख द्वितीय पाली में, जो भी आपका उर्दू बाकी सब होगा ना, उर्दू फारसी संस्कृत अंकृत, तो सब इन लोगों का प्रथम पाली में होगा 28 तारीख के दिन। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए 29 तारीख दिन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर होगा प्रथम पाली में, और सेकंड पाली में सोशियोलॉजी का पेपर होगा, ठीक है ना। और 30 तारीख के दिन हिस्ट्री का प्रथम पाली में पेपर होगा, और द्वितीय पाली में म्यूजिक, और आपका 31 तारीख दिन प्रथम पाली में होम साइंस का होगा, द्वितीय पाली में खाली यानी कि छुट्टी रहेगा, यानी कि खत्म हो जाएगा आपका पेपर। और यहाँ पर दोस्तों जो भी जानकारी बताया गया आप लोग पढ़ लीजिए। 18 से लेकर 21 तारीख के बीच में सभी स्कूल में ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सूचना आपको बताया गया है, तो सभी लोग इसका PDF डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिए। PDF डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस पर एक ही क्लिक करिए, आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। यकीन नहीं है तो क्लिक करके देखिए, डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। नहीं तो आप एक काम करिए, आपके मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र है ना, गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र, इनमें से दोनों में से कोई ओपन कर लो। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पेपर आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद दोस्तों फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, यहीं पर आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। आप लोग सर्च करिए studyplusofficial.com। जैसे ही आप लोग studyplusofficial.com लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा थंबनेल पर, थंबनेल पर आप लोग क्लिक करिएगा फोटो पर। उसके बाद से आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर आपको सब कुछ पता चलेगा, देख लीजिए सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर लिखा गया ना रूटिंग डाउनलोड करिए, यहाँ पर आपका टेलीग्राम है, और ये व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। एक दिन पहले हम व्हाट्सअप ग्रुप में पेपर भेज देते हैं, तो आप लोग इस व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ना सभी लोग, ओके।